दिन मैं इस टाइम हाई कोर्ट के बिल्कुल मेन डोर पर मौजूद हूं। मैं अभी आपको लाइव नजर दिखाने के लिए, लाइव अपडेट देने के लिए मखदूम शहाबुद्दीन बाहर आया हूं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जैमस लगे हुए थे। अंदर तो एक आप SMS तक नहीं कर सकते, अंदर भी आवाम का ठाठे मारता समंदर है। तिल धरने को जगह नहीं है, किसी कोने में हाई कोर्ट के पाँव रखने को जगह नहीं है, और बाहर भी तिल धरने को जगह नहीं है। आवाम का ठाठे मारता समंदर है, आवाम का जमे गफीर है। आप यूँ कह लें कि पूरा पाकिस्तान यहाँ उमड़ आया है, और इतना जज्बाती क्राउड है, इतना चार्ज क्राउड है, इतना गुस्से में है लोग। वो महंगाई के अलग गुस्सा, महंगाई का अलग गुस्सा है, और इमरान खान को इनका आवाम का कहना है कि इमरान खान को जख्मी हालत में यहाँ लाया गया है, इस बात का उनको अलग से गुस्सा है। तो ये अब तक की सूरत यह है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस टाइम जनाब खताब कर रहे हैं। मैं एक गाड़ी पर, ये डबल कैबन डाला है रिवो, उस पर खड़े होकर आपको जो है ना रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं पंजाब पुलिस की जानिब से इंतहाई नाकिस रखे गए। इसी वजह से पंजाब पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल देखने में आई, बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई, धक्कम पेल हुई। फिर जनाब बीच बचाव का दरमियानी रास्ता निकाला गया, और ये अगर आप दिखा सकें, ये वाला गेट दिखाइए, ये जो लेफ्ट साइड पे गेट है, इस गेट से इमरान खान साहब को अंदर भेजा गया, और बाकी सारी जो प्रोटोकॉल गाड़ियाँ थी वो सामने वाले गेट से पार्किंग तरफ भेज दी गई। और जब इमरान खान साहब गाड़ी अंदर गई ना, तो मखदूम यहाँ पर यह बड़ी देखने वाली मज़े की चीज़ है कि एक अवाम का जो दरिया है ना, वो उनकी गाड़ी के साथ ही बहता हुआ अंदर चला गया। और आप ये भी यहाँ पे नोट फरमा लीजिए कि आप कतन मत समझें कि पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत जो है वो इमरान खान को बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दे रही थी। कतन ऐसा नहीं था, कतन ऐसा नहीं था। तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने, तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी, और जमान पाक से लेके यहाँ तक फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई। और यहाँ पर एक और बड़ा अहम पॉइंट आप नोट करें, जब मरियम नवाज़ लाखों करोड़ों इस गरीब का टैक्स लगा के यहाँ पर उसने अपना इस्तकबाल करवाया, अपना खुशामदी इस्तकबाल करवाया लाहौर एयरपोर्ट पर, वहाँ पर भी इतने लोग मौजूद नहीं थे जितने आज यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ हाई कोर्ट में पाकिस्तानी पहुँचे हैं, और उनका जोशो जज्बा जो है वो अरूज पर है। और अब इनका कहना यह है कि अगर इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल होती है, तो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को हर हाल में जमानत पर वापस लेके जाएंगे। ये कह रहे हैं अगर ये उनको जेल लेके गए जमानत कैंसिल करके, तो इन कारकुनान का कहना है कि ये हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के उनको लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम उनको जाने नहीं देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा मान, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन कराम, इमरान खान की जमानत मंजूर हो चुकी है। मैंने आपके सामने ऐसे एक्सक्लूसिव विजुअल्स रखने हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी ने देखे ना सुने। आज इमरान खान के ऊपर वो मुहावरा ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड, वो आया, पेश हुआ और वो चला गया। तमाम तर जितने लोग थे जो इमरान खान को हराना चाहते थे, गिरफ्तार करना चाहते थे, रास्ते में वारदात डालना चाहते थे, आज वो मुंह तकते रह गए हैं। मैंने समाअत का मुकम्मल अहवाल A to Z इमरान खान के कमरे अदालत में पेश होने के मनाजिर, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस वहां से स्पेशल किस्म की हमने हासिल की हैं, और डेवलपमेंट्स जो हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप नाज़रीन कराम सबसे पहले ये वीडियो देखें साथ साथ, और इसके साथ मैं आपको समाअत का अहवाल सुनाता हूं। ये वीडियो जो है ये इमरान खान की आमद की है। अब कोई मुझे ये बताए कि, और इसमें बैकफायर कर गया ना, आप इमरान खान को ह्यूमिलेट करना चाह रहे थे, आप इमरान खान को नीचा दिखाना चाह रहे थे, आपने पता नहीं क्या कुछ करने का मंसूबा बनाया हुआ था। कर लो ह्यूमिलेट, अवाम जिसे अपने सर पे बिठा चुकी है, अवाम जिसे अपने सर का ताज बना चुकी है, पूरा लाहौर सड़कों पर था। यूं लग रहा था लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जलसा है, यूं लग रहा था लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पाकिस्तान की अवाम ने अपनी अदालत लगाई है। याद है ना कि जब इमरान खान को दफ्तर से निकाला था वजीर आजम के, वो एक डायरी लेकर निकला था, उस वक्त भी एक अदालत लगाई थी पाकिस्तान की अवाम ने हर शहर में। आज लाहौर यूं लग रहा था कि जहां से जिस बंदे को जगह मिली है वो वहीं निकला है। सड़कों पर इस तरह का अफरा तफरी का आलम, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के मनाजिर ना किसी ने देखे ना सुने। आप ये वीडियो भी देखें, किस तरह के ये मनाजिर हैं कि लोग गुलपाशी कर रहे हैं रास्ते में। इमरान खान जब अपने घर से निकले तो वहां से ये मनाजिर इतने एक्सक्लूसिव मनाजिर थे नाज़रीन कराम कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और यहां पर अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मेरे पास, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वो ये है कि लाहौर हाईकोर्ट ने थाना संजगानी में दर्ज मुकदमे में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली,
जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने थाना संजगानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाप्त की। अदालत ने इस मुकदमे में 3 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की। लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरखास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फर्क की वजाहत और थाना संजगानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत के लिए पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को पेश होने का आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद वो अदालत में पेश हुए। अब जो एग्जैक्ट डेवलपमेंट्स हैं, एग्जैक्टली मैं आपके सामने विजुअल्स तो रखूंगा और एक्सक्लूसिव इमरान खान के गाड़ी से निकलने के मनाजिर, खुद चल के कमरा अदालत में जाने के मनाजिर, वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अदालत ने इमरान खान को पेश होने के लिए 5 बजे का वक्त दिया था। ताहम रश की वजह से बहुत ज्यादा लोग थे जम्मे गफीर, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की ढाल बनकर सिक्योरिटी अपने हाथ में लेकर तकरीबन 5:50 पर हाई कोर्ट के इहाते में पहुंचे। इहाते में इमरान खान काफी देर तक मौजूद रहे। इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अदालत से दरखास्त की कि इमरान खान की हाजिरी कबूल की जाए, उन्हें व्हीलचेयर पर इहाते से कमरा अदालत में लाना मुमकिन नहीं। ताहम अदालत ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी और इमरान खान को हर सूरत अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। बाद हजार 7:30 के करीब इमरान खान साहब जो है वो गाड़ी से निकले और खुद चलकर जस्टिस बाकर नजफी के कमरे अदालत में पहुंच गए। हिफाजती जमानत की दरखास्त में इमरान खान के मुख्तलिफ दस्तखत का केस लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में चल रहा है, जबकि थाना संजगानी में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने की। अब ये दो अलग अलग केसेस हैं। कबल अज़ी लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरखास्त और वकालतनामे पर दस्तखत में फर्क की वजाहत के लिए इमरान खान को आज 2 बजे तलब किया था। 2 बजे का वक्त था, इमरान खान साहब नहीं पेश हुए। फिर दोबारा इस सब के अंदर 5 बजे तक का वक्त दिया गया और इस सारे मामले के अंदर जो लेटेस्ट इस वक्त डेवलपमेंट हैं, जो लेटेस्ट इस वक्त अपडेट्स हैं, वो इस वक्त बड़ी अहम हैं, बड़ी अलार्मिंग हैं और जो मनाजिर हैं वहां के, इमरान खान साहब कमरा अदालत से दूसरी अदालत पेश होने के लिए जमानत जब मंजूर हुई इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत, अब ये यहां पे स्ट्रगल खत्म नहीं होती, मामला इससे भी ज्यादा पेचीदा है, वो क्या है उस पर भी बात करते हैं। अब नाज़रीन किराम, जब इमरान खान साहब अदालत के अंदर मौजूद थे और उन्होंने कमरा अदालत की तरफ जाना था, उस वक्त के एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आप देखें। आप ये देख सकते हैं इसमें अहमद खान नियाजी भी और गाड़ी के ऊपर भी इमरान खान के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, पर्सनल सिक्योरिटी के, और उनके साथ जितने नौजवान और जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, और इतना ज्यादा आवाम का रश था। ये इमरान खान साहब की गाड़ी है, यहां पे आप पुलिस की सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, इतने ज्यादा लोगों के मनाजिर तो आगे चल के देखते हैं। आप जरा पहले ये देखें कि किस तरह से यहां पे ये मनाजिर हैं और ये एक्सक्लूसिवली हमने हासिल किए हैं। अभी यहां से खान साहब कुछ ही सेकंड्स के अंदर निकलते हैं और यहां पर ये अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इस गाड़ी से निकल रहे हैं और लोगों के नारे, लोगों का जोश और जज्बा, जोशो खरोश अपने उरूज पे पहुंच जाता है जैसे ही इमरान खान अपनी गाड़ी से निकलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले नवाज शरीफ की भी पेशियां देखी होंगी, और ये लोग लाए नहीं गए, ये लोग कोई लंबी चौड़ी पूरे पंजाब के अंदर पार्टी को हिदायत, ये खुद निकले हैं जैसे इन्हें पता चला कि आज कप्तान, और लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली लाहौर के जिंदा दिलान ने कि हम इमरान खान को लाए भी हैं और इमरान खान को सही सलामत वापस जमान पार्क भी हमने लेके जाना है। और इंपोर्टेंट हुकूमत जो है वो मुंह तकती रह गई, पुलिस जो है वो वहां पर मुंह तकती रह गई और वो कुछ भी नहीं कर सकी। इसके अलावा एक और वीडियो क्लिप भी आपके सामने मैं रखता हूं कि इमरान खान साहब अदालत के अंदर का, ये अब कमरा अदालत में एग्जैक्ट जो एंट्री है हाई कोर्ट में अली बाकर नजफी साहब की अदालत के अंदर, उसके मनाजिर में आपके सामने रखने लगा हूं। आप जरा यह भी देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाई, और यहाँ पे असल में जो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मनाजिर थे ना, आज वो पाकिस्तानी अवाम का रेफरेंडम था। आज अवाम ने ये साबित कर दिया, इससे पहले भी पिछली 4 रातों से वो साबित कर रहे हैं ना गिरफ्तारी की कोशिशें, और इमरान खान को जमान पार्क से बाहर निकालने का जिसका भी प्लान था, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने अपने ऊपर मुकदमे में जब उनकी जमानत हुई उन्होंने कहा था ना कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुलाना चाहिए, उस बंदे को जिसने मशवरा दिया था, कुंडी लगा के उसका फेंटा लगाना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को जमान
खान पार्क से बाहर निकालने, अदालत तक ले आने और इमरान खान को अपनी तरफ से ह्यूमिलेट करने का जिसका भी मशवरा था उसे भी पकड़ के फेंटा लगना चाहिए, और ऐसा फेंटा लगना चाहिए कि भाई ये भी बैकफायर हो गया। वैसे पिछले एक साल से क्या कुछ नहीं बैकफायर हो रहा। अब मैं समझता हूं सारी की सारी अटेंशन, पूरी की पूरी तवज्जो इस वक्त पूरी कौम की सदर मुमलिकत के ऐलान पर होनी चाहिए जो कि इलेक्शंस का ऐलान है। और इमरान खान साहब यहां से जरा फारिग हो लें फिर वो बताते हैं। अभी खतरा टला नहीं है। खतरा कैसे नहीं टला, बल्कि उससे पहले आप ये एक और वीडियो देखें, बाहर के मनाजर एक्सक्लूसिवली। ये लग रहा था लाहौर हाईकोर्ट के बाहर तहरीर स्क्वायर बन चुका है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि खतरा टला क्यों नहीं है, क्योंकि एफआईए ने गिरफ्तारी खान साहब की और केस में करनी है। ये हिफाजती जमानत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत जो है उसमें पेशी के हवाले से है, तो उसमें तो ये मामला अब क्लियर हो गया। ममनुआ फंडिंग केस में अब खान साहब की गिरफ्तारी का ख्वाब सजाए बैठे हैं। पता नहीं ये गिरफ्तार कैसे करेंगे, जमान पार्क में तो करने की हिम्मत नहीं है। अब अदालत से वापसी पे ही कर सकते हैं, वापसी को भी हमने पूरी कवरेज करनी है। हमारे वहां पे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल की जो पूरी टीम है, रिपोर्टिंग टीम, वो वहां पर राउंड द क्लॉक चारों साइड से एक्सक्लूसिव मनाजिर हासिल करने के लिए और खसूसी कवरेज का सिलसिला हम जमान पार्क से भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके सामने इंशाल्लाह पूरे तरीके से, पूरी ईमानदारी से आपके सामने हम रखते रहेंगे। लेकिन अभी खान साहब का खतरा टला नहीं है, गिरफ्तारी का शौक पूरा होना है। और मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि पंजाब हुकूमत जो कि मुबैना तौर पर निगरान हुकूमत है, मुबैना निगरान हुकूमत जो है ना पंजाब की, मोहसिन नकवी साहब की, उसने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया जेल भरो तहरीक। तो अब खान साहब की अटेंशन, ये तो मामला गया खैर खैरियत से, बस वो पहुंच जाए वापस जमान पार्क, उसके बाद तवज्जो जेल भरो तहरीक पर रखनी है, सदर मुमलिकत के ऐलान पर रखनी है, क्योंकि सदर मुमलिकत के ऐलान से एक बहुत बड़ी लीगल बैटल, इवन अब सदर जो है उन्हें हॉट वाटर्स में लाने की कोशिश की जाएगी। सदर के खिलाफ ये कहेंगे कि उन्होंने आइन शिकनी कर दी, भाई अगले ने आइन शिकनी रोकी है, ये कौन सी आइन शिकनी है, ये तुम ये कह लो कि तुम्हारी अना शिकनी है, तुम्हारी जिद की जिद शिकनी है, जो तुम्हारी जिद और अना जिनकी भी है, जो आइन से बालातर समझते हैं, खुद को स्या सफेद के मालिक बने बैठे हैं, उनके अरमानों पर तो सदर ने पानी फेरा है, उसकी सजा देनी है तो दे दें, आइन शिकनी सदर ने नहीं की। तो ये डेवलपमेंट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगवान पाकिस्तान।